सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो उस दिन से मेरा जीवन बदल गया कैसे रोआ खड़ा हो गया आप बात सही कैसे बोलने से क्योंकि परमेश्वर तो हम लोग का पिता समान है जैसे कि आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं उसी प्रकार वो भी हमसे प्रेम करते हैं जी तो अब क्या हुआ हम सब हर धर्म कहता है कि हम लोग क्या है पापी है हर धर्म कहता है कि हमें कोई छुड़ाने वाला चाहिए हम परमेश्वर से अलग हो गए अभी सब लोग परमेश्वर से मिलने के लिए अपने अपने ढंग से कोशिश कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं कि नहीं कोई सोचता है कि मेरे कर्मों से मैं शायद उधार पाऊंगा कोई कहता है कि मेरे धर्मों से मैं उधार पाऊंगा लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम अपने कर्मों से कभी भी हम लोग उधार नहीं पा सकते क्योंकि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं उनके अनुग्रह से ही बाइबल कहता है कि उनके अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है तो वो अनुग्रह तो परमेश्वर जब ऊपर से देखा कि मेरे पुत्र लोग पाप में गिरे हुए हैं समझाने से अभी इतना ऊपर बोले तो समझेंगे नहीं हम लोग पाप करते ही जाएंगे हम लोग तो उन्होंने क्या किया स्वयं मानव रूप लेकर और आदमी को जब समझाने लगा तो उन लोगों ने कोई भी आपको अच्छा काम करेंगे तो सब आपका दुश्मन हो गया उसी प्रकार उनका भी दुश्मन हो गया और उनको सूली पे चढ़ा दिया वो जो काम कर रहे थे अच्छा तो उनको सूली पे चढ़ा दिया गया और आदमी का पाप किसी पशु का बलि से क्षमा नहीं आपका नाम चल रहा है बाबू आदमी का पाप किसी पशु का बलि से क्षमा नहीं हो सकता इसीलिए मनुष्य का पाप को धुलाने के लिए मनुष्य का ही बलि चाहिए था तो वो परमेश्वर जो दिया था ना आज बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उनके बलिदान पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा आज हम भी कर रहे हैं हर धर्म कहता है कि नर्क स्वर्ग कोई भी नर्क जाना नहीं चाहता है चलो कोई भी नर्क जाना नहीं चाहता है सभी स्वर्ग ही जाना चाहते हैं लेकिन स्वर्ग का मार्ग प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन में ही हो मेरे द्वारा ही कोई पिता तक पहुंच सकता है तो उन्होंने एक मार्ग बना दिया है हम सभी कहते हैं कि सभी धर्म एक ही है मानने के तरीके अलग अलग हाँ लेकिन अगर सही तात्पर्य से हम लोग समझे तो प्रभु यीशु ने सिर्फ कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हो मेरे द्वारा ही कोई पिता तक पहुंच सकता है इसलिए उनके बलिदान पे आज जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा तो जब उनको बलि पे चढ़ा दिया गया था तीसरे दिन बाद वे फिर से जीवित हो उठे और जब वे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर सकूं और तुम्हारे लिए एक सहायक को मैं भेजूंगा आज हर आदमी क्या बोलता है कैसे हो भैया वहां से आप ठीक हो लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ है अशांति में जी रहा है प्रभु ने कहा इस संसार की ज्योति में ही हूँ और शांति दाता में ही हूँ मैं ही वो सच्चा शांति तुम्हें दे सकता हूँ इस संसार में कोई भी तुम्हें चाहे हम लोग कितना भी पैसा खर्चा करके अच्छा सो क्यों देना देख लेना थोड़ा देर के लिए शांति होता है लेकिन थोड़ा देर बाद अशांति तो आ ही जाता है लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं तुम्हें ऐसी शांति दिए जाता हूँ जो संसार की कोई वस्तु नहीं देती तो वो शांति देने वाले प्रभु यीशु है और जब से मैंने उनको पाया अपने जीवन में मेरा जीवन बदल गया है मैं सोचा भी था कि मैं इस तरह खुशहाल जीवन बिताऊंगा और ये खुशी जो मुझे फ्री में मिला है प्रभु यीशु ने कहा जो तुम्हें फ्री में मिला है वो शांति जो खुशी वो औरों को भी बांटो जाओ जाके सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो कभी जगत का अंत होगा आप जो बोले ना नीचे प्रेम थे विनय करे सम्मान देही के कारण सकल की सिद्धि करे राम जो ही राम मानिए सब पहले के रास्ते को रहे थे मान लीजिए अपने तरीके से समझाए अभी हम लोगों को बोलना होगा हम लोग बोलेंगे श्री राम जी ऐसे ऐसे किए थे ऐसे ऐसे काम करो ऐसे ऐसे होगा लेकिन हम लोगों का बच्चा चिंता पूछने का स्कोर ये रहा अभी तक तो कोई नहीं है लेकिन आप लोग इतना परेशान हो रहा है मतलब इसको मतलब क्या बोझ है क्या मतलब इससे क्या लाभ होगा आपको हमको क्या लाभ होगा आपको क्या लाभ होगा मान लीजिए आपको क्या लाभ हुआ हमको क्या लाभ होगा सब पूछा आपको सबसे जरूरी बात हम लोगों क्या है उद्धार हमारा पाप से कौन उद्धार दे सकता है सभी मनुष्य पापी है और ये पाप स्वभाव को लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते लेकिन ये पाप को लेकर हम अगर पापी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकते अभी तो जाना तो चाहता है लेकिन आपको क्या लगता है स्वर्ग जाने के लिए हम अपने कर्मों से या धर्मों से हम क्या स्वर्ग जा सकेंगे अभी नहीं तो प्रभु यीशु ने इतना प्रेम किया हमसे कि उन्होंने हमें सीधा सा मार्ग दे दिया कि केवल उन पर विश्वास करो आज आदमी लोग क्या कर रहा है कि ये करने से होगा क्या वो करने से होगा क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो लोग जा रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं धर्म कर रहे हैं लेकिन बाइबल कहता है कि ना ही तुम्हारी कर्मों से क्योंकि कर्म के द्वारा अगर तुम्हें उद्धार मिला तो तुम घमंड करोगे लेकिन ये है मेरा अनुग्रह से तुम्हें उद्धार मिला है तो वही उद्धार प्रभु यीशु में सिर्फ है प्रभु यीशु का अगर हम विश्वास करेंगे तभी हम स्वर्ग जा पाएंगे
कहने का तात्पर्य ये कि विश्वास सबसे बड़ा चीज है, विश्वास दीजिए हमको। अच्छा,